हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आंध्र प्रदेश स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है SCTPCS सिविल एंड ए आर मेन एंड वुमेन एंड APSP मेन वेदर मेन एंड वुमेन एंड फायरमैन। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली वेदर एंड फायरमैन की रिक्रूटमेंट हो रहा है मेन एंड फीमेल के लिए। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल डिटेल्स है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन जो इस जॉब के नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको जो कि क्लिक है जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसका जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको चला आएगा, उसके बाद ही आप देख सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश जो कि मोगलागिरी गुंटर डिस्ट्रिक्ट के में जो यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है स्टेट ऑफ जो कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है उसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको 12 नवंबर 2018 से इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ओपन हो गया, एक्टिवेट हो गया है फॉर द एप्लीकेशन, एंड लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2018 तक, 7 दिसंबर 2018 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है स्टीफन डेरिक कैडिट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल सिविल मेन वुमेन इन पुलिस डिपार्टमेंट, जिसका वैकेंसी है 1600। उसके बाद सेकेंड पोस्ट जो कि है यहाँ पे स्टीफन डेरिक कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल मेन एंड वुमेन इन पुलिस डिपार्टमेंट, इसके आपको वैकेंसी जो है 300। उसके बाद है पुलिस पुलिस कांस्टेबल मेन इन पुलिस डिपार्टमेंट, जिसका वैकेंसी 300। उसके बाद है वेदर मेन इन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट, जिसका वैकेंसी है 100। वेदर वुमेन एंड प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट, जिसका वैकेंसी है 23। फायरमैन इन आंध्र प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, जिसका वैकेंसी है यहाँ पे 400। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि वैकेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा है, 22723 जो कि वैकेंसी निकला हुआ है। इसके साथ साथ मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसके पहले मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिलिमिनरी रिटर्न एग्जाम विल बी हेल्ड 6 जनवरी 2019 संडे 10 AM to 1 PM 3 आवर्स के आपको यहाँ पे जो कि प्रीलिमिनरी जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा 6 जनवरी 2019 में 10 AM से शुरू होगा और 1 PM तक आपको ख़त्म हो जाएगा। और 10 डेज बिफोर आपको जो कि आपका जो हॉल टिकट है एडमिट कार्ड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि पोस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको एक बार पढ़ लेना है, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, आप उसी सेंटर में जाके आपका जो एग्ज़ाम है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अभी हम बात करूँगा कि इस जॉब के और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, देखते रहे मेरे और जो इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कॉन्टिशन जो कि दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन अगेंस्ट पोस्ट कोड 21-22 मेन एंड वुमेन वर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन अगेंस्ट पोस्ट 23-24 and 26 मेन ओनली एलिजिबल। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पोस्ट कोड जो भी दिया हुआ है आप लोग ऊपर से देख लेना कि कौन सा पोस्ट की क्या कोड है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो कि दिया हुआ है 18 ईयर्स से आपको जो कि यहाँ पे आपका 18 ईयर्स से आपको मिनिमम जो कि एज है 18 ईयर्स एंड 22 ईयर्स आपको मैक्सिमम जो कि एज है आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ SC ST एंड OBC वालों के लिए एज रिडक्शन रहेगा, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। मिनिमम जो कि है यहाँ पे 5 ईयर्स का जो कि एक एज रिडक्शन रहेगा फॉर द SC ST और OBC के लिए 3 ईयर्स के आपको यहाँ पे जो कि एज रिडक्शन रहेगा। इसके साथ साथ मेडिकली जो कि आपको फिट रहना होगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, आपका आई साइट जो कि है
यहाँ पे आपको करेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, उसके बाद ही जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद सॉरी उसके पहले आपको एक फिजिकली टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कि पोस्ट वाइज जो कि दिया हुआ है उसका डिटेल्स क्या है हाइट एंड वेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर द पोस्ट कोड नंबर 21, 22, 23 एंड 26 मेन कैंडिडेट के लिए 167.6 सेंटीमीटर एंड चेस्ट 86.3 सेंटीमीटर फॉर चेस्ट फुल इंस्पिरेशन विद द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट रहेगा 152.5 सेंटीमीटर एंड वेट रहेगा 40 केजी। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कोड जो है 21, 22, 23 एंड 26 मेन हाइट रहेगा 160 सेमी एंड 80 सेंटीमीटर फॉर चेस्ट एंड वुमेन के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर एंड 38 केजी वेट। उसके बाद पोस्ट कोड जो है 24 हाइट रहेगा 168 एंड चेस्ट रहेगा 87। तो दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग बार बार मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग वहाँ से देख लेना कि कौन सा जॉब के लिए क्या कोड नंबर है। अब वो कोड देख के यहाँ पे जो कि आपको मिलेगा कि किस तरह से जो कि यहाँ पे आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो कि मार्क्स आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके डिटेल मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। पोस्ट कोड जो है 21, 24, 25 एंड 26 के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो होगा यहाँ पे 200 मार्क्स के एंड पोस्ट कोड जो है 22 एंड 23 के लिए यहाँ पर आपको 100 मार्क्स के आपको जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्ज़ाम में जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो कि जनरल बेसिकली जो जो एग्ज़ाम में पहले जो आपको रिक्रूटमेंट होता है या पे जो जो आपको फॉलो करना होता है रूल वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेना वो सब आपको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ही आप लोग जो कि इसका एक छोटा सा ये जो कि आपको नॉलेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो कि आपको अप्लाई करना होगा और इसका डिटेल्स मैं इसका जो नोटिफिकेशन है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग जाके यहाँ से जो कि चेक कर सकते। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियली लिंक है एप्लीकेशन के लिंक मैं उसका भी नीचे दे दूंगा लिंक, आप लोग डायरेक्टली इस पेज में जाके जो कि अप्लाई कर सकते। इसके अलावा ये वीडियो आप लोग अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।